वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में देखा, हमने अपना चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट ड्रग इवैल्यूएशन को कंप्लीट किया कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में से जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं और आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस में एक बार देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। अब क्या पढ़ेंगे हम कि फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स का क्या महत्व है हमारे फार्माकोग्नोसी में। तो देखो, स्टैंडर्ड, पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मतलब किसी चीज की क्वालिटी को बता देता है वो, कि भाई इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा तगड़ी है ना। होता है ना कि इससे आपको क्या पता चल जाएगा, उसकी एक तो वैल्यू कितनी हाई है और क्या उसकी क्वालिटी है। तो हम एक इसके लिए एक वैल्यू डिसाइडेड होती है पहले से, यानी कि हमें कोई चीज, हमें रेफरेंस के तौर पे हम उसे लेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू हमें नोन है, उससे हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो हमारी उसकी वैल्यू जो है वो उससे मैच करनी चाहिए। तो वो होता है किसी चीज का स्टैंडर्ड, ठीक है, कि जो उसकी क्वालिटी है बिल्कुल हमें एज इट इज ऐसा ही कोई चीज अपनी तैयार करनी है उसमें से देख के, तो वो क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ड्रग्स शुड बी यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। जो हम ड्रग बना रहे हैं फार्माकोग्नोसी में, जो प्लांट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, यानी कि पूरे में एक जैसी होनी चाहिए क्वालिटी, यानी कि वहां थोड़ा सब्सटेंस उसका है, थोड़ा उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए वो। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्लीनलीनेस एंड कंटेंट ऑफ थेरापिटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो हमारा एपीआई है, जो ड्रग है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर की एपीआई हो, यानी कि जिससे एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, यानी कि ट्रीटमेंट में वो हेल्प करेगी। तो एक तो वो होना चाहिए उसके अंदर, और उसका ओरिजिन कौन क्या है ड्रग का हमारी, और क्या उसकी क्लीनलीनेस है। तो ये हो गया, हम ये सारी चीजें किससे मैच करते हैं, अपने स्टैंडर्ड से। ये सब चीजें एक ड्रग के अंदर होनी चाहिए। इफ दीज क्वालिटी आर मेंटेन्ड, अ पर्टिकुलर डोज ऑफ द ड्रग will invariably have uniform strength। तो ये कह रहा है कि अगर ये सारी क्वालिटी उसकी मेंटेन हो जाए तो ना ही उसमें क्या वेरिएशन आएगा, कोई भी चेंजेस आएंगे, और एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी हमारी ड्रग की। कि बोलते ना कि एग्जैक्ट की इतनी इतने ग्राम होनी चाहिए, इतनी ml होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये सब चीजें अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इससे हम स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझे, कि स्टैंडर्ड्स आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज बाय विच द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स मे बी असेस्ड। तो जब हम किसी चीज से एक किसी चीज को रेफरेंस की तरह ले रहे हैं, तो यानी कि वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, जिससे क्या करेंगे हम अपनी ड्रग की क्वालिटी को चेक करेंगे, असेस्ट करेंगे, यानी कि डिटरमाइन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो यही होता है स्टैंडर्ड। तो यानी इससे ये चीज समझे कि जो आगे एडल्ट्रेशन हो रहा है, कि हम जैसे कि हमारी ड्रग की क्वांटिटी कम है तो उसमें हम और चीजें जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या एड कर रहे हैं, तो वो एक इस तरीके से करेंगे कि जितना हमारे एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रखी होगी हमारे स्टैंडर्ड में, एक रेफरेंस दिया होगा कि भाई ये चीज आपकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो ही होता है हमारा एक स्टैंडर्ड, कि एक क्वालिटी हो कि जो हमें चाहिए उतनी हमें मिलनी चाहिए, कि उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो, ड्रग की क्लीनलीनेस हो, सफाई हो एकदम उसमें, और ओरिजिन क्या है उसका, तो उसके हिसाब से पूरी क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यही होता है हमारे स्टैंडर्ड के अंदर, जिससे हम एक नोन वैल्यू होती है जिससे हम चेक करते हैं। तो आप तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। अब चलिए, हमारे फार्माकोग्नोसी में जो है टाइप्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के, क्या टाइप्स होते हैं, देखो, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड, एनालिटिकल स्टैंडर्ड, और एक होता है फिजिकल कॉन्स्टेंट। ये तीनों ही क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि जैसे जो एक ड्रग का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितनी हमें एक वो दी होगी वैल्यू, की ये भाई इसका स्ट्रक्चर, इसका ये पार्ट, ये हमें इतना ही इसमें लेना है, एक रेफरेंस वैल्यू होगी। जैसे कोई भी ड्रग तैयार करा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होंगी, तो वो सब उसके स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड में आ जाता है। एनालिटिकल स्टैंडर्ड, जिससे हम एनालिसिस करेंगे कि ये इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, कि एनालिसिस करना स्टैंडर्ड की हेल्प से, तो वो हो गए क्या इस एनालिटिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल कॉन्स्टेंट आपने पहले भी पढ़े ही थे, जैसे ये एश वैल्यू, स्वेलिंग फैक्टर, क्या कहते हैं, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट वैल्यू, फ्रोथ वैल्यू, ये सब क्या होती है, हमारी फिजिकल कॉन्स्टेंट होती है, जिनकी मदद से हम
चेक करते हैं कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है क्या हमने उतनी ही मेंटेन करी है, तभी तो हमें अपनी ड्रग की क्वालिटी मिलेगी। तो चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? देखो, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड एक तो ये लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है कि एक लिमिट, यानी कि इतना ही परमिट करेंगे कि उसमें ये चीज इतनी ही होनी चाहिए। तो एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूडेड ड्यू टू केयरलेसनेस इन कलेक्शन और प्रिपरेशन, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे कि जब तुम किसी प्लांट के पार्ट को कलेक्ट करते हो या प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो, तो उस टाइम पे लापरवाही की वजह से क्या हो गया कि कोई ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी उसमें चला गया है, तो वो उसका कितनी लिमिट है कि कितनी क्वांटिटी में वो परमिसेबल है कि इतना हो सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद देखो, फॉरेन मटेरियल्स एडेड फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब जो हम बाहर से चीजें, जैसे एग्जॉस्टेड मटेरियल, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा एडल्ट्रेशन में कि हम इतनी चीजें ऐड कर रहे हैं, तो वो कितना होना चाहिए वो ही उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे, जिसमें द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज 2% की। ये दोनों ही, दोनों में ही क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी आ रही है, एक में ऑर्गेनिज्म ऐड हो जा रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट आ गया, और दूसरे में क्या हो रहा है, जैसे कि फॉरेन मटेरियल ऐड हो जा रहा है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है कुछ भी। तो इन दोनों के लिए क्या है, दोनों ही इम्प्योरिटी है, तो इसके लिए कितनी परमिसिबल है, लिमिट कितनी है, 2%, इससे ज्यादा होगी तो वो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी, यानी कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। उसके बाद देखो एनालिटिकल स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कि उसका अमाउंट जो है कितना चाहिए, वो इसके उसकी लिमिट होती है इसके अंदर। दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जितने ड्रग का, जैसे प्लांट का जो हम पार्ट ले रहे हैं, तो उसके अंदर कितना कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हम इसमें उसका एनालिसिस करते हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो होता है एनालिटिकल स्टैंडर्ड। जैसे कि इसके लिए भी लिमिट दी हुई है, दीज लिमिट्स आर इम्पोज इन द फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म में लिमिट दे रखी है, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट की इतना ही होना चाहिए, यील्ड टू एल्कोहल, एल्कोहल कितना यूज हो इसमें, टोटल एश वैल्यू, राख वैल्यू कितनी है, जैसे पाउडर बना रहे हैं, जैसे हम प्लांट के पार्ट को, पत्तियों को पीस के, तो उन सब की कितनी टोटल एश कितना है, ये सब इससे हमें अपना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट पता चल जाएगा, एसिड इन सोल्यूबल एश कितना है। तो ये क्या होते हैं हमारे एनालिटिकल स्टैंडर्ड, जिनकी मदद से हम एनालिसिस करते हैं अपने की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एपीआई है ड्रग के अंदर, यही होता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का इफेक्ट शो होता है, असर होता है, तो वो कितना है। उसके बाद हमने देखा कि क्या फिजिकल कॉन्स्टेंट के बारे में, फिजिकल कॉन्स्टेंट वही जो हम पढ़ के आए हैं, दे आर यूजफुल फॉर ऑयल, फैट, वैक्सेस एंड रेजिन्स के लिए। जैसे फिजिकल कॉन्स्टेंट में हम उसमें डेंसिटी देख लेंगे अपने ड्रग की, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, एवरेज मास ऑफ प्लांट मेंबर, तो इन सब की वैल्यूज हमारे स्टैंडर्ड में दी हुई होती है, यानी कि एक रेफरेंस दिया होता है जिसकी मदद से हम अपने ड्रग की क्वालिटी को, आइडेंटिटी को और प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। फिर उसके बाद देखो, अब ये स्टैंडर्ड्स कहाँ पे होते हैं, कहीं तो लिखे हुए होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स हमारे फार्माकोपिया के अंदर होते हैं। तो फार्माकोपिया भी पता होना चाहिए क्या है। फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल कोड, यानी कि एक रेफरेंस बुक है ये फार्माकोपिया, जिसके अंदर हमारे ड्रग्स जो भी और मेडिसिनल प्रिपरेशन होती है जितने भी, वो पूरी उसमें लिखी हुई होती है कि ये अमाउंट, बोलते हैं ना कि जब कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो इसका इतना 10 ग्राम 2 ग्राम देना है, तो ये फार्माकोपिया के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होता है पूरा अच्छे से। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो, इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब उसका कलर क्या है, जो हम खुद देख सकते हैं वो सब लिखा हुआ है कि सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, वो सब, टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी के लिए क्या टेस्ट है उनका, स्टैंडर्ड फॉर दीज प्रिपरेशन, और इनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है। फिर अबाउट स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसमें, और डोज की रेंज कितनी है, इतने ml, 500 mg, 200 mg, जो ये होती है ना, ये सब हमारे फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होती है। अब उसके बाद देखो ये, और हमारे इम्पोर्टेंट फार्माकोपिया से, यानी कि जो ये बुक है वो कौन कौन सी है, देखो एक क्या है इंडियन फार्माकोपिया है, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, और एक है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। और अब जैसे कि हमने फार्माकोपिया देख लिया और स्टैंडर्ड देख लिया, तो अब एक फार्माकोपिया स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे कैसे करते हैं हम उसे, वो देखते हैं। देखो, द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए क्रूड ड्रग इज एस्टेब्लिश्ड बाय रेफरेंसेस गिवन इन फार्माकोपियाज, यानी कि ऑथेंटिसिटी का मतलब है यहाँ पे कि जो उसकी रियल क्वालिटी है किसी भी क्रूड ड्रग की, यानी रॉ मटेरियल की, वो एक उस दी हुई है, वो एक बना रखी है किसके द्वारा,
रेफरेंस के द्वारा, जो कि किसमें लिखा हुआ है, फार्माकोपियाज में, कि बोलते हैं ना कि हमें यही रेफर करनी है, यही इसकी वैल्यू है, तो वो क्या हो गया हमारा एक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड हो गया। द फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, तो यानी कि फार्माकोपिया ने क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड्स दे रखा है। स्टैंडर्ड का सिंपल मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दी क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। तो यही जो हम स्टैंडर्ड अभी हमने टाइप्स देखे, स्ट्रक्चरल, एनालिटिकल, फिजिकल, ये सब कहाँ पे है हमारे फार्माकोपिया के अंदर है। तो देखिए अब द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड मेंशन इन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में कौन कौन से, किस तरीके से स्टैंडर्ड्स को किया जाता है, कैसे हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग क्या होता है, यानी कि सैंपल को ले लेना, सैंपल को किससे, जैसे कि, और वो सैंपल जो है पूरे प्रोडक्ट को डिनोट करे कि जो हमने लिया है वो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट का सबको वो करे, वो रिप्रेजेंट करे। तो सैम्पलिंग क्या हो गई, अ सैंपल इज ड्रॉन फॉर एनालिसिस, जिसको हम एनालिसिस के लिए ले रहे हैं, डिटरमाइन करने के लिए ले रहे हैं। द सैंपल मस्ट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बल्क, वही कि वो पूरे पूरे का पूरे बल्क को रिप्रेजेंट करे, वो सैंपल की वो पूरे का पार्ट हो। यूएसपी डिस्क्राइब्स मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट, तो ऐसी यूएसपी ने क्या दे रखा है, डिस्क्राइब कर रखी है मेथड ऑफ सैम्पलिंग की, तुम्हें भाई ऐसे ऐसे करनी है, किसमें, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये इतना हो गया, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप पूरे में लिमिट्स नहीं बता पाओगे जो बुक में लिखी हुई है फार्माकोपिया में, तो सिर्फ आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक सैम्पलिंग भी कुछ होता है। उसके बाद देखो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या होता है, प्रीलिमिनरी यानी कि कोई भी चीज, जैसे कि एक टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले की चीजें, वो क्या होती है, प्रीलिमिनरी, है ना। तो वो उसमें क्या हो गया हमारा, जैसे फार्माकोपियास डिस्क्राइब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड सेंसरी कैरेक्टर्स, यानी कि जो चीजें हम खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से और जो चीज हम टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो वो सब होती है हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले ही ये सब देख के बता देना कि हमारे इसमें प्योरिटी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ट्रेन वर्कर्स चाहिए होते हैं, ट्रेन वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द ड्रग्स टू अवॉइड डिट्रियोरेशन ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। जिस टाइम पे हम अपने ड्रग की हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि छटाई कर रहे हैं, जो पार्ट हमें चाहिए और स्टोर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कि वो डिट्रियोरेट ना हो जाए, क्या हो जाए, डिट्रियोरेशन मतलब वो खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन वर्कर्स को लेते हैं जो अच्छे से आइडेंटिफाई करे ड्रग को। उसके बाद ये हो गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद फॉरेन मैटर होता है, कि फॉरेन मैटर यानी कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो आ रहे हैं हमारे, तो वो कितनी, उसके लिए भी एक लिमिट होती है। देखो ड्रग्स में कंटेन अदर पार्ट्स ऑफ दिस सेम प्लांट और अदर ऑर्गेनिक मैटर, तो ड्रग में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्लांट का पार्ट भी ऐड हो जाता है गलती से, जो कि अनअवॉइडेबल हो जाता है या अनइंटेंशनली होता है, जैसे एडल्ट्रेशन बोलते हैं जैसे, तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए भी एक फार्माकोपिया ने क्या करी, एक परमिसेबल लिमिट दे रखी है, ऑफ दिस मैटर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन फार्माकोपिया, कि इससे 1% या 2% इससे ज्यादा ये मैटर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो होता है फॉरेन मैटर के बारे में, ये भी एक स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद देखा हमने माइक्रोबियल कंटामिनेशन, की अब माइक्रोब्स की भी कुछ, कि कितने अमाउंट में इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए वैलिड है, कितनी इसकी लिमिट परमिट कर रखी है, तो ये सब देखना होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन के अंदर। सम क्रूड ड्रग्स में भी कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कंटामिनेटेड मतलब वो उससे क्षतिग्रस्त हो रही है, यानी कि खराब हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी वजह से हमारी ड्रग जो होती है वो कभी कभार, जैसे अगर मॉइस्चर उसमें रह गया है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डिजिटेलिस लीव्स है हमारी, मतलब हार्ट की डिजीज में काम आता है ये, तो डिजिटेलिस में भी कंटामिनेटेड विद ईकोलाई एंड साल्मोनेला, ये दोनों ही बैक्टीरिया है, इनसे हमारा जो डिजिटेलिस है वो कंटामिनेट हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स में क्या लिमिट दे रखी है, परमिसिबल लिमिट ऑफ दीज माइक्रोबियल कंटामिनेशन आर मेंशन्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। उसके बाद ये हो गया माइक्रोबियल कंटामिनेशन। उसके बाद देखो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ड्रग लाइक एलोज एंड जेंशियन में कंटेन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि मॉइस्चर का मतलब यानी कि उसमें कि एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि पानी है उस जो ड्रग होती है, तो अब उसके लिए भी इस द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज अनइकोनॉमिकल, तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया है उस ड्रग में, तो इससे वो अनइकोनॉमिकल हो गई, यानी कि कोई यूज की नहीं रही है वो, है ना, तो सही नहीं है। तो इसके लिए ड्यू टू मॉइस्चर ड्रग्स आर कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही कि बैक्टीरिया और फंजाई इन सबकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वो सोर्स है मॉइस्चर,
पानी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट को हमें इवेल्युएट करना है, चेक करना है। तो उसको किससे करते हैं हम, लॉस ऑन ड्राइंग, की कितना वाटर का कंटेंट उसमें प्रेजेंट है, कितना वो रिमूव होगा उसमें से, और वोलेटाइल ऑयल भी उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो वो उसी को कहते हैं लॉस ऑन ड्राइंग। और एक दूसरा होता है सेपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर की, उस जैसे कि हम अपने ड्रग में से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं या उसको मेजर करना मॉइस्चर को, तो वो भी हो गया मॉइस्चर कंटेंट में। दीज मेथड्स आर डिस्क्राइब इन बीपी एंड यूएसपी। तो ये जो दोनों मेथड हैं ये हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी दिए हुए हैं और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में भी मेंशनड है। उसके बाद अदर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, और भी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी क्वालिटी, प्योरिटी और आइडेंटिफाई करते हैं अपने ड्रग को, जैसे कि एश वैल्यू हो गई, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल की ऑयल वगैरह कितना उसका परसेंटेज है, और उसके बाद वोलेटाइल सब्सटेंसेस, उसके बाद आरएफ वैल्यू कितनी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। तो ये हो गया हमारा कि स्टैंडर्ड्स के बारे में कि कैसे एक जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, वो हमने पढ़ लिया है इसके अंदर। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड क्या होता है, एक रेफरेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, यानी कि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जिसकी मदद से हम अपनी ड्रग की क्वालिटी को असेस करते हैं, होते हैं हमारे स्टैंडर्ड। तो इसकी मदद से हमारे, हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग जो हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए क्वालिटी में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्लीनलीनेस के रिस्पेक्ट में, और उसके अंदर एपीआई कितना है यानी कि थेरापेटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है ये देखते हैं। और उसके बाद अगर ये क्वालिटी सारी मेंटेन है इसका मतलब हमारी ड्रग में कोई वेरिएशन नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो एक स्टैंडर्ड को प्रमोट करते हैं। हम यूनिफॉर्मिटी कैसे ला सकते हैं, स्टैंडर्ड का यूज करके। और स्टैंडर्ड्स क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम क्वालिटी को असेस करते हैं। ये भी बताया था टाइप ऑफ स्टैंडर्ड देखे, स्ट्रक्चरल, एनालिटिकल, फिजिकल कॉन्स्टेंट। स्ट्रक्चरल वही कि कितना पार्ट इसमें इंक्लूड हो सकता है कि, और वो गलती से आ गया है, तो इन सब चीजों के लिए एक लिमिट दी हुई है, फॉरन मटेरियल कितना है। उसके बाद एनालिटिकल में कि वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट की लिमिट दी हुई है, एल्कोहल कितना ऐड हो सकता है उसकी लिमिट है। ये हमारे बेसिकली किसके लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है मिनिमम अमाउंट में उनके लिए है, हैं। फिर उसके बाद फिजिकल कॉन्स्टेंट देखा हमने कि डेंसिटी कितनी हुई थी, इसके इन सब चीज़ों के लिए भी लिमिट्स दी हुई हैं हमारे फार्माकोपिया में। अब ये फार्माकोपिया होता क्या है, ये एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर क्या होता है, ड्रग्स की लिस्ट होती है मेडिसिनल प्रिपरेशन की, उसके अंदर ड्रग की पूरी डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, आइडेंटिटी के लिए, प्योरिटी के लिए, पोटेंसी के लिए, स्टैंडर्ड्स हैं, फिर इंफॉर्मेशन होती है और डोज रेंज के बारे में होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया देखे कौन कौन से, इंडियन, ब्रिटिश, यूनाइटेड। फिर उसके बाद हमने फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स पढ़ा कि क्या होता है, कि फार्माकोपिया की मदद से हम रेफरेंसेस को लेते हैं, इससे हम अपनी ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद कि कैसे कैसे तरीके से करते हैं, जैसे सैम्पलिंग से, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से, तो यहाँ हर जगह हम अपनी क्या एक लिमिट होती है उसकी मदद से हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं ड्रग की, फॉरेन मैटर से, फिर उसके बाद माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, मॉइस्चर कंटेंट से, और अदर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से। तो हमारी आज की वीडियो में चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलेंगे अपने चैप्टर 4 की तरफ आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाली वीडियोस में भी प्रॉपर पूरे इसके सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एग्जाम आने से पहले। सो थैंक यू।